फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है। हिंदी और मराठी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस सीमा देव का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। सीमा देव ने 24 अगस्त की सुबह आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से बढ़ती उम्र की बीमारियों से ग्रसित थी, उन्हें अल्जाइमर्स की भी बीमारी। वह बेटे अभिनव देव के साथ बांद्रा इलाके में अपने आवास पर रह रही थी। सीमा देव ने एक्टर रमेश देव से शादी की थी। रमेश देव ने भी कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया था। 2 फरवरी 2022 को रमेश देव की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वह तब 93 साल के थे। रमेश देव ने आनंद फिल्म में अमिताभ बच्चन के दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार निभाया था। उस फिल्म में सीमा देव ही उनकी पत्नी के किरदार में थी। अमिताभ बच्चन फिल्म में उन्हें भाभी कहकर बुलाते थे। अपने करियर में सीमा देव ने 80 से ज़्यादा हिंदी और मराठी की भाषा की फिल्मों में काम किया था। सीमा देव का असली नाम नलिनी सराफ था। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म मियाँ बीवी राजा से की थी। इसके बाद वह भाभी की चूड़ियाँ, 10 लाख, कोशिश, कोरा कागज, संसार और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों में नजर आई थी। आपको बता दें कि सीमा देव और रमेश देव के दो बेटे हैं, अजिंक्य और अभिनय। अभिनय एक डायरेक्टर हैं और तो वहीं बेटे अजिंक्य मराठी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं।